रोहित शर्मा को थोड़ा समय विकेट पर बिताने के बाद बड़े शॉट खेलने चाहिए। जी हाँ, और इसी तरह से हमने उनका पैटर्न देखा है, लेकिन जिस तरह के टेम्पलेट की हम बात कर रहे हैं कि इंडियन टीम अब इस तरह के क्रिकेट खेलना चाहता है कि वो शुरू से ही अग्रेसिव खेलने की कोशिश करते हैं, तो शायद वो रोल रोहित शर्मा ने अपनाया हुआ है, तो वो मुझे लगता है कि उसकी उनको प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि वो जाने नहीं जाते हैं इस तरह से खेलने के लिए, लेकिन देखकर अच्छा लगता है कि वो आकर शुरू से अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे हैं। डेथ ओवर्स में भारतीय गेंदबाजों के पास रन रोकने की काबिलियत नहीं है। जी नहीं, इससे बिल्कुल मैं सहमत नहीं हूं। हालांकि बुमराह, हम जो इंडिया के जो मेन तीन या चार बॉलर्स खेलने वाले हैं, वो इस सीरीज में कंसिस्टेंटली नहीं खेले हैं, तो बिल्कुल जो लोग खेल रहे हैं उनसे ऑब्वियसली आप उम्मीद करते हो कि वो बेटर परफॉर्मेंस करेंगे, बट अगर बुमराह, भूवी और दीपक चाहर आएंगे तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली इंडिया बेटर परफॉर्मेंस करेगी। मयंक अग्रवाल को प्लेइंग 11 में शामिल करना चाहिए था। जी नहीं, मुझे लगता है कि शायद रोहित शर्मा संजू सैमसन को थोड़ा मौका देना चाहते थे, ईशान किशन की जगह पे उन्होंने कुलदीप को मौका दिया, तो एक तरह से शायद जिस पर उनको थोड़ा ज्यादा फेथ है और जिसकी तरफ इंडियन टीम देख रही है मिशन मेलबर्न की जो हम बात कर रहे हैं, तो शायद वो उनको मौका देना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है कि केएल राहुल और दूसरे खिलाड़ी जब वापस आ जाएंगे, ऋतुराज गायकवाड, तो हो सकता है मयंक अग्रवाल शायद उस टीम का हिस्सा ना हो, तो इसीलिए उनको मौका नहीं दिया गया। संजू सैमसन ने T20 विश्व कप की टीम में जगह बनाने का एक आउटसाइड चांस गंवा दिया। जी हाँ, एक तरह से, क्योंकि हम सब ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जितना पोटेंशियल संजू सैमसन के पास है, वो उस पोटेंशियल पे अब तक T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में वैसी परफॉर्मेंस उन्होंने नहीं दिखा पाई है, थोड़ी सी झलकियां हमको जरूर वो दिखाते हैं, लेकिन शायद मुझे ऐसा लगता है कि ये मैनेजमेंट उन पर बहुत फेथ दिखाती है और शायद उनको वो बैक करेगी आगे वाली सीरीज में भी, तो शायद हमको फिर से संजू सैमसन को देखने का मौका मिले और होना भी चाहिए, मुझे लगता है कि बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। रवि बिश्नोई में विविधता की कमी है, वो गुगली का अत्यधिक इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, एक तरह से उनका वो स्टॉक डिलीवरी है और उस पर उनको ज्यादा फेथ है, लेकिन उनको थोड़ी से और विकल्प बेहतर सुधारने होंगे, बहुत सारे थोड़े ऑप्शंस और बेटर करने होंगे। मोहम्मद सिराज को T20 विश्व कप का टिकट मिलना चाहिए। जी हाँ, मेरे हिसाब से वो जिस तरह से गेंदबाजी करते हैं, जैसी फील्डिंग करते हैं, जितनी एनर्जी वो लाते हैं डेफिनेटली, और आज बहुत कॉन्फिडेंस में है, रिसेंट पास्ट में, तो मुझे लगता है कि उनको ये टिकट मिलना चाहिए।